कांग्रेस के समय में जो हजारों करोड़ के घोटाले होते रहते थे वो सब अब बंद हो चुके हैं। बीते 10 वर्षों में हमने देश को दुनिया की 5वें नंबर की आर्थिक ताकत बना दिया और इसका परिणाम आप पूरे देश में ऐसे नव्य भव्य और दिव्य निर्माण कार्य देख रहे हैं। एक तरफ हमारे दिव्य तीर्थ स्थल आधुनिक स्वरूप में सामने आ रहे हैं तो दूसरी तरफ मेगा प्रोजेक्ट से नए भारत की नई तस्वीर बन रही है। आज आप देश का यह सबसे लंबा केबल आधारित सेतु गुजरात में देख रहे हैं। कुछ दिन पहले ही मुंबई में देश का सबसे लंबा सी ब्रिज पूरा हुआ। जम्मू कश्मीर में चिनाब पर बना शानदार ब्रिज आज दुनिया भर में चर्चा का विषय है। तमिलनाडु में भारत का पहला वर्टिकल लिफ्ट ब्रिज न्यू पंबन ब्रिज भी तेजी से काम चल रहा है। असम में भारत का सबसे लंबा नदी सेतु भी बीते 10 वर्ष में ही बना है। पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण चारों तरफ ऐसे बड़े निर्माण हो रहे हैं। यही आधुनिक कनेक्टिविटी समृद्ध और सशक्त राष्ट्र के निर्माण का रास्ता है। साथियों, जब कनेक्टिविटी बढ़ती है, जब कनेक्टिविटी बेहतर होती है तो इसका सीधा प्रभाव देश के पर्यटन पर पड़ता ही है। गुजरात में बढ़ती हुई कनेक्टिविटी राज्य को बड़ा टूरिस्ट हब बना रही है। आज गुजरात में 22 सेंचुरीज और 4 नेशनल पार्क हैं। हजारों वर्ष पुराने पोर्ट सिटी लोथल की चर्चा दुनिया भर में है। आज अहमदाबाद शहर, रानी की वाव, चापानेर और धोलावीरा वर्ल्ड हेरिटेज बन चुके हैं। द्वारका में शिवराजपुर का ब्लू फ्लैग बीच है, वर्ल्ड हेरिटेज सिटी अहमदाबाद है। एशिया का सबसे लंबा रोप वे ये हमारे गिरनार पर्वत पर है। गिर वन एशियाटिक लायन ये हमारे गिर के जंगलों में पाए जाते हैं। दुनिया की सबसे ऊंची प्रतिमा सरदार साहब की स्टैच्यू ऑफ यूनिटी गुजरात के एकता नगर में है। रणोत्सव में कच्छ दुनिया के सर्वोत्तम पर्यटन गांवों में गिना जाता है। नड़ाबेट राष्ट्रभक्ति और पर्यटन का एक महत्वपूर्ण केंद्र बन रहा है। विकास भी विरासत भी इस मंत्र पर चलते हुए गुजरात में आस्था के स्थलों को भी संवारा जा रहा है। द्वारका, सोमनाथ, पावागढ़, मोढ़ेरा, अंबाजी ऐसे सभी महत्वपूर्ण तीर्थ स्थलों में सुविधाओं का विकास किया गया है। अंबाजी में ऐसी व्यवस्था की गई है कि 52 शक्तिपीठों के दर्शन एक जगह हो जाते हैं। आज गुजरात भारत आने वाले विदेशी पर्यटकों की पसंद बनता जा रहा है।
वर्ष 2022 में भारत आए 85 लाख से अधिक पर्यटकों में हर पांचवा पर्यटक गुजरात आया है। पिछले वर्ष अगस्त तक करीब 15.5 लाख पर्यटक गुजरात आ चुके हैं। केंद्र सरकार ने विदेशी पर्यटकों को जो ई वीजा की सुविधा दी है उसका भी लाभ गुजरात को मिला है। पर्यटकों की संख्या में हो रही ये वृद्धि गुजरात में रोजगार और स्वरोजगार के नए अवसर बना रही है। साथियों, मैं जब भी सौराष्ट्र आता हूं यहां से एक नई ऊर्जा लेकर जाता हूं। सौराष्ट्र की ये धरती संकल्प से सिद्धि की बहुत बड़ी प्रेरणा है। आज सौराष्ट्र का विकास देखकर किसी को भी एहसास पहले कभी नहीं होगा कि पहले यहां जीवन कितना कठिन हुआ करता था। हमने तो वो दिन भी देखे हैं जब सौराष्ट्र का हर परिवार, हर किसान बूंद बूंद पानी के लिए तरसता था। यहां से लोग पलायन करके दूर दूर पैदल चले जाते थे। जब मैं कहता था कि जिन नदियों में साल भर पानी रहता है वहां से पानी उठाकर सौराष्ट्र और कच्छ में लाया जाएगा तो ये कांग्रेस के लोग मेरी मजाक उड़ाते थे। लेकिन आज सौनी ये एक ऐसी योजना है जिसने सौराष्ट्र का भाग्य बदल दिया है। इस योजना के तहत 1300 किलोमीटर से अधिक की पाइपलाइन बिछाई गई है और पाइपलाइन भी छोटी नहीं है, पाइप के अंदर मारुति कार चल जा सकती है। इसके कारण सौराष्ट्र के सैकड़ों गांवों को सिंचाई का और पीने का पानी पहुंच गया है। अब सौराष्ट्र का किसान संपन्न हो रहा है, यहां का पशुपालक संपन्न हो रहा है, यहां का मछुआरा संपन्न हो रहा है। मुझे विश्वास है आने वाले वर्षों में पूरा सौराष्ट्र, पूरा गुजरात सफलता की नई ऊंचाई पर पहुंचेगा। द्वारकाधीश का आशीर्वाद हमारे साथ है। हम मिलकर सौराष्ट्र को, गुजरात को विकसित बनाएंगे। गुजरात विकसित होगा, भारत विकसित होगा। एक बार फिर इस भव्य सेतु के लिए मैं आप सभी को हृदय से बहुत बहुत बधाई देता हूं, आपका अभिनंदन करता हूं। और अब मेरी द्वारका वालों से प्रार्थना है, अब आप अपना मन बना लीजिए दुनिया भर से टूरिस्ट कैसे ज्यादा से ज्यादा आए, आने के बाद उसको यहां रहने का मन करे। मैं आपकी इस भावना का आदर करता हूं। मेरे साथ बोलिए, द्वारिकाधीश की, द्वारिकाधीश की, द्वारिकाधीश की, भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। बहुत बहुत धन्यवाद।